डियर स्टूडेंट्स, आज हम कारपेट की वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। कारपेट डिफरेंट जगह कैसा क्या बनाया जाता है, कैसा क्या हिस्ट्री है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अफगानिस्तान कारपेट, अफगानिस्तान साउथ एशिया में ईरान से सटा हुआ है और तुर्कमेनिस्तान के वेस्ट में है, उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान के नॉर्थ में है और पाकिस्तान और चाइना उसके ईस्ट में। इसकी कैपिटल सिटी काबुल है। कारपेट अफगानिस्तान में उनके द्वारा जो अफगानिस्तान में बनाए जाते हैं और ऐसे अफगान रिफ्यूजीज के द्वारा भी बनाए जाते हैं जो कि पाकिस्तान में जाके बस गए। अफगानिस्तान के जो रग हैं वो बेसिकली सिंधेंट और अदरक खान के नाम से फेमस हैं जो कि अफगानिस्तान के वेस्टर्न हरात एरिया में बनाए जाते हैं। अब जो अफगानिस्तान कारपेट कॉमनली अफगान रग के नाम से फेमस है। अफगानिस्तान कारपेट बेसिकली यूनिक और बैल रिकॉर्डनाइज होममेड मटेरियल डिजाइन से बने हुए होते हैं। उसमें बेसिकली ट्राइबल डिजाइन ज़्यादा प्रमुख हैं, जैसे और ये ट्राइबल डिजाइन है जो कि जिनका ताल्लुक तुर्कमेन, कजाक, बलोच और उज़्बेक से है, उन जो कारपेट की डिजाइन है इनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जो हैंडमेड रग हैं वो बहुत से कलर में बहुत से पैटर्न में बनाए जाते हैं। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल का जो अफगानिस्तान कारपेट के हैं वो ऑक्टागोनल शेप में एलिफेंट के फुट हैं जिन्हें हम बुखारा नाम से जानते हैं। और इसमें जो रग बनाए जाते हैं मोस्टली रेड कलर यूज किया जाता है, ऑल्दो और अदर वेजिटेबल डाइज भी इनके साथ यूज की जाती हैं जिससे इनका एपीरेंस बहुत अच्छा दिखता है। सबसे फेमस दो अफगानिस्तान कारपेटों के नाम हैं खल मोहम्मदी और अफगान अकाशी। खल मोहम्मदी जो नॉर्थ अफगानिस्तान में तुर्कमेन है उनके द्वारा बनाया जाता है और ये बेसिकली पाकिस्तान में भी बनाया जाता है। अब प्राइमरी कलर इनका रेड है और जिसमें एलिफेंट लाइक पैटर्न है और फ्लावर पैटर्न है जो कि डार्क ब्लू और बहुत से बीच कलर भी यूज़ किया जाता है। अफगानिस्तान आक्सी कारपेट है जो होममेड कारपेट है जो तुर्कमेन के द्वारा सेंट्रल और नॉर्थ अफगानिस्तान में बनाया जाता है। पायल बार्क और वेप्ट बूल से बना हुआ होता है और समटाइम बकरी या घोड़े के हेयर से भी कारपेट बनता है। खल मोहम्मद के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है पायल बूल का है, बार्क बूल का है, नॉट सिमेट्रिकल है, नॉट डेंसिटी 1,50,000 से लेकर 2,30,000 पर स्क्वायर मीटर है और साइज जो है वो 100 सेंटीमीटर लंबा, 150 सेंटीमीटर चौड़ा, 250 सेंटीमीटर लंबा, 350 सेंटीमीटर चौड़ा, 80 सेंटीमीटर लंबा, 120 सेंटीमीटर चौड़ा, 80 सेंटीमीटर लंबा, 400 सेंटीमीटर चौड़ा। अफगान अच्छे के जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है पायल बूल का है, बार्क बूल का है, नॉट सिमेट्रिकल है, नॉट डेंसिटी 80,000 से 1,80,000 पर स्क्वायर मीटर है, साइज 100 सेंटीमीटर लंबा इंटू 150 सेंटीमीटर चौड़ा, 250 सेंटीमीटर लंबा 350 सेंटीमीटर चौड़ा, 80 सेंटीमीटर लंबा 120 सेंटीमीटर चौड़ा, 80 सेंटीमीटर लंबा और 300 सेंटीमीटर चौड़ा है। आर्मेनियन कारपेट सातवीं सेंचुरी में
सातवीं सेंचुरी के लगभग लगभग अर्मेनिया से बहुत सारे कारपेट बरामद हुए, जिसमें सबसे पुराना और सबसे सर्वाइविंग नॉटेड कारपेट परजैक कारपेट है, जो कि हमें सर्बिया के फ्रोजन टॉम्ब से मिला। और ये जो बनाया गया था वो 5वीं सेंचुरी BC में 5वीं से 3री सेंचुरी BC के लगभग ये कारपेट बनाया गया था। इस समय ये सेंट पीटर्सबर्ग में हर्मिटेज म्यूजियम में सुरक्षित है। ये स्क्वायर टफेट कारपेट परफेक्टली इंटैक्ट है और बहुत से एक्सपर्टों का मानना है कि ये बेसिकली अर्मीनियन कलाकारी का मास्टर पीस है। मतलब कई लोगों का तो कहना है कि इससे बेटर कारपेट उन्होंने लाइफ टाइम में देखा नहीं। जो परजैक कारपेट के के बारे में कई सारे राइटर्स ने, कई सारे जो वेल नोन्ड रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इसको मास्टरपीस कहते हुए कई सारे कमेंट्स लिखे हुए हैं और लिखा हुआ है कि ऐसा कारपेट दुनिया में बहुत मुश्किल से अवेलेबल होगा। तो इसे कह सकते हैं कि अर्मेनिया कारपेट के ओरिजिन का बहुत बड़ा क्लेम था। कारपेट अर्मेनियन हिस्ट्री में बहुत स्पेशल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। कॉमन थीम और पैटर्न अर्मेनियन कारपेट में ड्रैगन और ईगल हैं। और ये सारे जो कारपेट हैं, इसमें अच्छे से कलाकारी की गई है और डिफरेंट कलर में बनाए गए हैं। और इसमें बेसिकली ईगल टाइप ऑफ कारपेट, ड्रैगन कारपेट और सरपेंट कारपेट बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। और कारपेट की जो इनिशियल हिस्ट्री है, इसका एविडेंस केत्रोज गंधाची ने 13वीं शताब्दी में अंतरिक्ष ने जो लिखा कि उन्होंने अर्जु खातून, जो उस समय के प्रिंस की वाइफ थी और उसकी पुत्रियों की एक्सपर्टाइज के लिए और जो बीविंग स्किल के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हिस्ट्री कहती है अर्मेनियन कारपेट की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। अगर हम चाइनीज कारपेट की बात करें तो चाइनीज कारपेट का जो ओरिजिन है वो 2000 साल पुराना है। और इस समय ऑल दो जो हमारे पास प्रमाण मिलते हैं वो 15वीं 17वीं सेंचुरी में मिलते हैं, जिसमें नॉटेड कारपेट चाइना में बनाए जाते थे। और जो पैटर्न है चाइनीज कारपेट के, पैटर्न है वो प्रोक्लेम पेंटर के से रिजेम्बल करते हैं और ये मोस्टली सिल्क के बने हुए कारपेट हैं। और इस समय पैटर्न में ओल्ड रिलीजियस सिंबल्स भी यूज किए जाते थे, ड्रैगन पैटर्न भी बनाए जाते थे। और इन जो कारपेट हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं चाइनीज, जैसे बुद्धिस्ट धर्म है, तो वो कारपेट में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। इसमें कॉटन के थिन बार थ्रेड आल्सो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते थे। और इस समय जो पायल में है, पायल भी थिक और सॉफ्ट पायल और फ्लेक्सिबल पायल यूज किया जाता है कारपेट में। ये कारपेट बेसिकली कानसू, नियाक्सिया, असुयान और इनर मंगोलिया बताऊ सिटी के आसपास मोस्टली बनाए जाते हैं। इसके बाद शांसी, हुबेई और शेंतोंग प्रोविंस भी बाद में जो कारपेट मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में बाद में चाइना में जुड़ गए। सबसे नए मैन्युफैक्चरर जो कारपेट हैं उनमें बेसिकली फ्लावर, पर्सियन मोटिफ, ये बनाए जा रहे हैं। और इन कारपेट में बेसिकली
मशीन स्पन वूल डाइड सन बास्टूक क्रोम कलर यूज किए जाते हैं, और बहुत सारा पार्ट जो कारपेट का है वो जिसमें डबल बार्फ यूज किया जाता है और स्नेह नोट यूज की जाती है। इन कारपेट का प्रोडक्शन इस समय बीजिंग और तेजिंग सिटी के आसपास हो रहा है। इस समय कारपेट जो जहां बेचे जाते हैं वो मेन प्रोविंस निंग्सिया, तेजिंग, पटाव और पीकिंग है। इंडियन कारपेट का ओरिजिन मुगल एम्परर अकबर के समय हुआ 1556 से 1607 में, जिन्होंने पर्सियन वीवर्स को कारपेट मैन्युफैक्चरिंग की स्किल के लिए अपने कोर्ट में इनवाइट किया, अपने पैलेस में इनवाइट किया ताकि वो कारपेट बना सकें। 16वीं, 17वीं और 18वीं सेंचुरी में बहुत सारे फाइन कारपेट इंडिया में बनाए गए जो कि भेड़ की बूल और सिल्क से बनाए गए और जिसमें पैटर्न पर्सियन पैटर्न रखे गए। इस 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में जो इंडियन कारपेट की क्वालिटी में एक तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ और जो मेन प्रोडक्शन सिटी जो कारपेट के बन गए वो श्रीनगर, अमृतसर और आगरा बने। इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग फिर से आगे बढ़ना शुरू हुई। तब आज इंडिया बहुत बड़ा सस्ते होममेड कारपेट का मैन्युफैक्चरर है, जिसके जो मोस्टली पैटर्न क्लासिकल पर्शियन और चाइनीज पैटर्न पर आधारित कारपेट जो इंडिया में बनाए जा रहे हैं। इंडियन ओरिजिन के कारपेट को इंडो कारपेट नाम से जाना जाता है। इंडो मीन्स इंडिया, इंडो मीन बलूचा, इंडो गब्बर, इनके जो बेसिकली ये प्रिफिक्स नाम है इंडो मीन पाकिस्तान बचोरा इंडो गब्बर, ये डिफरेंट नेम से पर्शियन कारपेट जो बनाए जाते हैं इंडिया में भी। अदर कारपेट जो जहाँ पे कारपेट बेचे जाते हैं वो अमृतसर, भदोही, जयपुर, कश्मीर, मीर सपूर और श्रीनगर है। पाकिस्तान कारपेट मैन्युफैक्चरिंग का बहुत इम्पोर्टेंट प्लेसेस है। पाकिस्तान में जो रिफ्यूजी इंडिया से चले गए, अफगानिस्तान के रिफ्यूजी जो कारपेट बनाने का बहुत बड़ा काम करते हैं, और जो मेन हब हैं जहाँ पे कारपेट मैन्युफैक्चरिंग होती है वो लाहौर और कराची हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी उनकी कारपेट मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान में कारपेट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फाइन ऑस्ट्रेलियन वूल से भी होती है, सिल्क से भी होती है। कारपेट में हाई नॉट डेंसिटी होती है जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो पैटर्न है वो पर्शियन पैटर्न पे आधारित कारपेट बनाए जाते हैं। पाकिस्तानी कारपेट उस समय मास में प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि लाहौर, कराची और रावलपिंडी में बनाए जाते हैं। उसमें मोस्ट ऑफ दी जो टू टाइप के कारपेट मोस्टली बनाए जाते हैं, मोरी कारपेट और पर्शियन कारपेट, जिसमें 90% मोरी कारपेट जो है जो उसमें बोचरा लाइक पैटर्न है और तुर्कमेन पैटर्न है। इसके अलावा जीगलर कारपेट भी पाकिस्तान में बनाए जाते हैं जो कि पर्सिया की अरक डिस्ट्रिक्ट की कॉपी है। कारपेट में मैं कॉकेशियन कारपेट का भी हमें सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है जो कि कजाक में बेचे जाते हैं। पर्शियन कारपेट, पर्शिया का ओल्ड प्राचीन नाम ईरान है, जो कारपेट मैन्युफैक्चरिंग की सबसे ओल्डेस्ट कल्चर से बिलोंग करता है। यहाँ की कारपेट में बेसिकली स्नेह नॉट यूज की जाती थी,
इस समय कंट्री में डिफरेंट एरिया में बनाए जाते हैं, जैसे हमदन, मसाद, करमान और सिरी, बिदजर और डिफ। पर्शियन कारपेट बेसिकली ओरिएंटल कारपेट के नाम से भी फेमस है। ऑल्दो ओरिएंटल कारपेट इंटायरली डिफरेंट नेम है जो कि पर्शियन कारपेट की फिलॉसफी से मैच तो करता है, लेकिन एक्चुअल ओरिएंटल कारपेट नहीं है। अब हम तुर्किश कारपेट की बात करते हैं। तुर्किश कारपेट उस समय एंटोलियन कारपेट भी कहलाते हैं। ये सबसे पुराने तुर्किश कारपेट जो हैं वो 13वीं शताब्दी में पाए गए, ये सिटी ऑफ कोन्या में पाए गए। लॉन्ग टाइम बाद तुर्किश कारपेट 16वीं और 17वीं शताब्दी में पर्शियन कारपेट के कंपेरेबल कारपेट यहाँ बनाए जाने लगे। तुर्किश कारपेट ग्रीक शैली से बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंस्ड हैं और इन कारपेट में वूल, कॉटन, सिल्क और तुर्किश नॉट यूज की जाती है। ये कॉमनली यूज पैटर्न कारपेट में है। प्रेयर करते हुए ज्योमेट्रिक मोटिव्स हैं, ह्यूमन एनिमल्स इन कारपेट में नहीं दिखाया जाता क्योंकि यह मुस्लिम धर्म अलाउ नहीं करता है। मोस्ट कॉमन कारपेट जो स्मॉलर स्केल में बनाए जा रहे हैं वो हैं जर्मन कैसरी, मिक्री, हैके, घोगी, घोरियोडेस, कोला, आउटसेक, याली और यसीबी कारपेट। ये तुर्किश कारपेट्स के नाम हैं। तुर्कमेन कारपेट, तुर्कमेन कारपेट से हमारा मतलब है कि तुर्किस्तान से डिफरेंट प्लेसेस हैं, जैसे उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईस्ट तुर्किस्तान है, अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, ऐसे प्लेस को जो कारपेट बनाया जा रहा है उन्हें तुर्कमेन कारपेट कहते हैं। तुर्कमेन कारपेट में डिफरेंट तुर्कमेन कारपेट के नाम है बसजीर, सेलर टिक्के, तजर्डो, योमत कारपेट। ये डिफरेंट नेम्स हैं जो तुर्कमेन कारपेट के नाम हैं। और इसके अलावा जो कारपेट, जो बुचारा कारपेट यहाँ पे फेमस है, जो यहीं पे सिर्फ बनाया जाता है। मोस्ट कॉमन जो तुर्कमेनिस्तान कारपेट डिस्ट्रिक्ट हैं अचकाबाद, बखलदेन, गिवकोन, किजाक, अरबैत, मेर्व और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान में स्थान में जो कारपेट बनाए जाते हैं वो ही तुर्कमेनिस्तान कारपेट कहलाते हैं। तुर्कमेनिस्तान कारपेट का मतलब क्या है ये हमने आपको समझा दिया है। अब ओरिएंटल कारपेट, जो यूरोप में कारपेट बनाए जाते हैं वो बेसिकली ओरिएंटल कारपेट के नाम से फेमस हैं। ये जो डेवलपमेंट है, कारपेट का डेवलपमेंट 11वीं सेंचुरी में हुआ और इस समय मिडिल ऑफ 18वीं सेंचुरी में ये मोस्ट कॉमन डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होने लगे। 13वीं शताब्दी में ओरिएंटल कारपेट डिफरेंट इटली की डिफरेंट पेंटिंग्स में और इंग्लैंड और फ्रांस में देखे जा सकते थे। कारपेट में इंडो पर्शियन डिजाइन, इंट्रोड्यूस की गई। डच और ब्रिटिश, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में इंडियन पैटर्न पर आधारित
भी यूरोप में डेवलप हुई है। फ्रेंच कारपेट, फ्रेंच फ्रांस में जो प्रोडक्शन है, कारपेट का प्रोडक्शन है वो 1608 ईस्वी में हेनरी फोर्थ के समय शुरू हुआ। और इन्होंने क्या लिया, तुर्किश कारपेट को इन्होंने मॉडल के रूप में लिया और उसी हिसाब से जो सिमेट्रिकल नॉट के थ्रू इन्होंने वोवन कारपेट का निर्माण शुरू किया। 1628 ईस्वी में पेरिस के बाहर प्रोडक्शन शुरू किया गया। पेरिस के बाहर एक क्लोज शॉप फैक्ट्री जिसका नाम सोवनेरी था, उसमें कारपेट का प्रोडक्शन शुरू किया गया। अलियस प्रोड्यूस कारपेट, लुइस टेल कारपेट कहलाए, जो कि लुइस 14 के समय बनाए गए। कारपेट में बेसिकली फ्लावर्स हैं, बास्केट हैं, मिलिट्री मोटिव हैं, आर्किटेक्चर मोटिव हैं, ऐसे मोटिव देखे जा सकते हैं। डच और फेमस टेक्सटाइल पेंटिंग का भी इसमें पैटर्न कारपेट में देखा जा सकता है। मोस्ट नेन सोमरी कारपेट 105 हैं। जो कि ग्रैंडे जो सोनेरी का जो पीरियड है वो 1670 से लेकर 1789 तक चला। इसके बाद जो सोनेरी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो गोबलिंस पेरिस में 1826 में मूव कर दी गई और रॉयल फैक्ट्री जो बनी वो फर्नीचर क्लॉथिंग और वो टेपेस्ट्री के लिए यहाँ पे बनी। इसी के बाद में फ्रांस में बीबिंग और कारपेट की मैन्युफैक्चरिंग में रिवॉल्यूशन आया। जो सिटी ऑफ अमसूज अबूसन में 1743 में प्राइवेट ओन वर्कशॉप में कारपेट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई और बाउसेस में होममेड कारपेट 1780 से 1792 के बीच बनाए गए। कारपेट में बेसिकली जो डिजाइन है वो तुर्किश ओरिजिन की डिजाइन है और बेसिकली सोवनेरी स्टाइल की डिजाइन है भी यहाँ बनाई गई। करंट में फ्रांस में प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन जो सोवनेरी और अबूसन स्टाइल के जो कारपेट हैं वो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं। इंग्लिश कारपेट, इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में कारपेट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। मोस्ट ऑफ द कारपेट जो साउथ वेस्ट इंग्लैंड में सिटी ऑफ नॉर्विच में 16वीं और 17वीं शताब्दी में बनाए गए और इन जो कारपेट की डिजाइन है वो इंडो पर्शियन पैटर्न और पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं। और जैसे फ्रेंच मैन्युफैक्चरर ने सिमेट्रिक नॉट यूज किए, कारपेट में भी सिमेट्रिक नॉट यूज की जाती है। प्रेजेंट समय में एक्समिस्टर और मूरफील्ड और एक्समिस्टर कारपेट दोनों टाइप के कारपेट बनाए जा रहे हैं और एक्समिस्टर और मोडिफाइड फॉर्मर बीबल्स फ्रॉम सेवनेरी इन फ्रांस बर्थ इन दीज एरियाज। मतलब जो सेवनेरी फ्रांस के जो वर्कर्स हैं उन्होंने इंग्लैंड के एरियाज में काम किया और उसी हिसाब से कारपेट का पैटर्न डेवलपमेंट स्टार्ट किया। कुछ कारपेट
ब्राउन बैकग्राउंड पे बनाए जाते हैं जिसमें चिड़ियों का पैटर्न फेमस है। इंग्लिश कारपेट में सिटी ऑफ किडमिस्टर और बल्से शायर बहुत फेमस हैं जहाँ पे कारपेट मैन्युफैक्चरिंग होती है और ये कारपेट मैन्युफैक्चरिंग के हर्ट कहलाते हैं और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय ये बहुत फेमस रहे हैं। स्पेनिश कारपेट, स्पेन में कारपेट मैन्युफैक्चरिंग 10वीं शताब्दी में शुरू हुई। जो मूरिस मुस्लिम्स थे उन्होंने 18वीं से 12वीं शताब्दी में कारपेट की वीविंग की आर्ट को यहाँ पे डेवलप किया। स्पेनिश कारपेट में इस्लामिक डिजाइनों और मोटिफ का बहुत इंफ्लुएंस देखने को मिलता है जो कि यूरोपियन मोटिफ के, यूरोपियन और क्रिश्चियन स्टाइल के कॉम्बिनेशन में भी इन कारपेट को देखा जा सकता है। चौदहवीं शताब्दी में पैटर्न डिफरेंट हुए जिसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न और जो क्रिश्चियन स्पेनिश फैमिली के इन्फ्लुएंस के आधार पर कारपेट मैन्युफैक्चरिंग के पैटर्न चेंज हुए। बहुत सारे कारपेट 15वीं शताब्दी में ऐसे बनाए गए जो तुर्की की आर्ट्स रिजेंबल होते हैं। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश कारपेट में टेक्सटाइल डिजाइन में सिल्क का यूज किया गया और मोस्ट पॉपुलर मोटिफ अनार और मालाएं इन कारपेट में उकेरी गई। फूलों के गार्लैंड कारपेट में बनाए गए। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इन्होंने जो फ्रेंच डिजाइन हैं उनको कारपेट में कॉपी करके अपने कारपेट में बनाना शुरू किया। वर्तमान समय में स्पेन उन कंट्रीज में से एक है जहाँ पे कारपेट अब भी बनाए जा रहे हैं लेकिन बहुत स्मॉल स्केल पे बनाए जा रहे हैं। कारपेट यहाँ के कारपेट थोड़े से एक्सपेंसिव हैं लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे मोरक्कन स्टाइल के भी चीप कारपेट बनाए जा रहे हैं। आई थिंक कारपेट का जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो हमने मोस्ट ऑफ दी कवर कर दी है। इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, आपको आप मेरी ईमेल आईडी पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी mohitiitdelhi@gmail.com है।